एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल गार्गी ब्लॉग्स वंडर बॉक्स। और जैसा कि मिस्टर सुजय ने प्रॉमिस करा था अपने लास्ट वीडियो में कि बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, फोड़ डालूंगा यस। एक्चुअली इसने बोला था कि नहीं, मैं ये डायलॉग तो पक्के से बोलूंगा बिकॉज ही इज़ वेरी फैसिनेटेड विद दिस डायलॉग। और ये हमारे बेटे रिशान का बहुत ज़्यादा फेवरेट डायलॉग है इस टाइम पे, तोड़ डालूंगा। ऑगी से सीखा है। ऑगी, राइट। तो हम लोग बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ के साथ आने वाले हैं इस बार, और उसी के लिए हम लोग आज आए हैं एक अनदर स्टोरी क्रिएट करने के लिए। बेसिकली हम रूबी से मिलने आए हैं। सो रूबी कौन है ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन था कि ये साल खत्म होगा उससे पहले हमें कितने सब्सक्राइबर चाहिए, 50,000 मात्र। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे, और अभी तो कंटिन्यू आने वाले हैं। और जो लोग अभी तक हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और अभी तक हमसे बोर नहीं हुए हैं, और आगे होने भी नहीं देंगे, और अगर अभी तक नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे, ये तो श्योर है, और अभी तक बोर नहीं हुए हैं तो वो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को आगे भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें अपने दोस्तों को। ये स्पेशली आपको रूबी से मिलवाने वाले हैं। रूबी से मिलेंगे आज। और इससे पहले हम कहाँ हैं ये भी बता देते हैं आपको। यस, बताइए। हम आए हैं द येलो हाउस कैफे में, जो कि है पांच बत्तीस सर्कल राजबंदी के बिल्कुल पास वाला मॉल है। और बाकी हम लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। गूगल लोकेशन एंड एवरीथिंग। और आइएगा, जरूर खाइएगा, जरूर खाना यहाँ का, और इनका एनवायरनमेंट को बहुत एंजॉय करिएगा, और बिल्कुल रूबी से मिलिएगा। यहाँ का एनवायरनमेंट इज वेरी लवली। अरे काम करते हैं ना, बताई देते हैं इनको। अच्छा, मतलब दिखाएं, आपको पूरा रेस्टोरेंट घुमा के लेके आते हैं और रूबी से भी मिलाते हैं। चलिए, हाँ, पहले रूबी से मिलिए। Your order has been delivered. Hello, here is your dish. Please take it away from my tray and touch my hand to let me get back to work. Thank you. Have a nice meal. फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रूबी? अच्छी है ना? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्थ इंडिया में पहला कॉन्सेप्ट है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट कभी आया नहीं है नॉर्थ इंडिया में। द वेरी फर्स्ट रेस्टोरेंट जो रोबोटिक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, द येलो हाउस। इट्स अ लवली कैफे, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, मॉडर्न लुक अलोंग विद द ट्रेडिशनल लुक, पूरा रस्टिक। मतलब इन्होंने दोनों चीजें, मतलब फ्यूजन, जैसे कि आपने, हां, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कठपुतलियां हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं खाने में, सिटिंग, कलर्स, और मॉडर्नाइजेशन भी है। मतलब कि रोबोट है जो आपको खाना सर्व कर रहा है, इतने प्यार से कर रही है, इतने प्यार से कर रही है,
पूछ रही है, सर्व कर रही है। सो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे आएंगे और एक बार विजिट करेंगे तो। राइट, आप लोग ज़रूर से आइए और ज़रूर से इस जगह को विजिट करिए। और अब टाइम है यहाँ का खाना टेस्ट करने का। तो मॉकटेल्स हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, हियर इज द मेन्यू। बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है भाई साहब। बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत खूबसूरत है। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो हमने दो मॉकटेल्स तो हमने चूज करे थे, एक था ब्लू लेगून और दूसरा येलो हाउस शेक था, दैट इज द येलो हाउस शेक। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये दोनों तो हमने हमारी तरफ से चूज कर लिए, बाकी खाने में हमें क्या ट्राई करना चाहिए वो हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली सुजॉय डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मेरा तो खैर ठीक है, मैं कर लेता, चल जाता है, कुछ भी खिला दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट सुजॉय वाज नॉट एबल टू, इनफैक्ट वी बोथ आर नॉट एबल टू डिसाइड। तो हमने सोचा क्यों ना हम किचन में जाके शेफ से बात करें और उनसे पूछे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारा खाना, अभी हम देखते हैं शेक कैसे बनता है। राइट, अभी हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि ये जो दो शेक, एक शेक और एक मॉकटेल हमने ऑर्डर करा है, तब तक हमारा खाना भी ऑर्डर हो जाएगा, तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। खाना नहीं खाएंगे, नहीं पहले आपको दिखाएंगे, दिखाएंगे फिर खाएंगे। राइट, ठीक है, चलिए। हमारा सबका हमारा खाना आ चुका है और इसका चश्मा भी आ चुका है, क्योंकि खाना आ गया ना तो इसका चश्मा भी आ गया। जब तक खाना नहीं था ना तो चश्मा नहीं था, अब ये देख पाएगी खाने को। मैं अंधी नहीं हूँ बिना चश्मे के, तो फिर क्यों पहना, बिना पहन के दिखाओ। देखा, खाना पे कॉन्सेंट्रेट करें। देखा, सो हमारा खाना आ चुका है। तो जो सबसे पहली चीज है, इटालियन में हमने मंगवाई थी, दैट इज दिस मैजिक मशरूम्स स्टार्टर में, देन दिस मसाला बन, देन इंडियन में ये मैंने मंगवाया था एक बटन नान, ये इनका फेवरेट है। हाँ, और ये अगेन मेरा फेवरेट है, मलाई कोफ्ता। सो लेट्स स्टार्ट द फूड। सबसे पहली चीज़ जो हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज दिस मैजिक मशरूम। और ये देखने में बिल्कुल मशरूम लग ही नहीं रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ सोया टाइप कुछ लग रहा है। डिफरेंट सॉसेस में इसको बनाया गया, इनफैक्ट ये खाने के टाइम में सोया टाइप नहीं लग रहा है, वो सॉरी मशरूम वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर आपको मशरूम खाना तो पसंद है, मगर कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ईजिली हैव दिस, क्योंकि ये दिखने ना तो दिखने में ना ही खाने में इसमें टेस्ट आ रहा है मशरूम का, कोई बोल ही नहीं पाएगा ये मशरूम। राइट, बट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम खाया, मैंने इससे पहले मशरूम का ये फॉर्म में कभी मशरूम को ट्राई नहीं किया था। ये थोड़ा सा ना उसके जैसे टेस्ट है, सोया के पकौड़े नहीं होते, आई डोंट नो, जो फ्राइड होते हैं, बट पर्सनली आई एम रियली लाइकिंग इट, बहुत टेस्टी है, लाइट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे ये मसाला बन।
मसाला बने, ये आप देख सकते हो, इसमें अंदर पूरी प्रॉपर फिलिंग करी गई है वेजीज की, और सॉसेस और वेजीज की पूरी फिलिंग करी गई है, और इसमें वो भी है, गार्लिक का भी है, गार्लिक भी है, और गार्लिक भी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मसाला बन, गार्लिक बन। मसाला का मतलब ये मत समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा रिच, यस बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बिल्कुल लाइट, बहुत ही लाइट, इसका जो स्पाइसेस है बहुत ही लाइट है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बेसिकली अभी तक हमने जो दो चीज़ें खाई हैं उसमें हमने ये जरूर नोटिस किया है कि ये जो रेस्टोरेंट है येलो हाउस, जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा तीखा पसंद नहीं करते, लाइट खाना और बिल्कुल साफ सुथरा खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट जगह है। राइट, क्योंकि ना इसमें अभी तक मिर्च आई है ना कुछ आया है, बहुत लाइट है। खाने के साथ में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी, जो कि हमने हमारे चॉइस से ऑर्डर करी थी, दैट इज दिस ब्लू लेगून एंड दिस येलो हाउस स्पेशल, तो कौन सा टेस्ट करना चाहोगे? ये की है शेक। ओके, बहुत ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। Let me try this yellow house as well. ये ठंडा ज़्यादा है। Right, mint और mango का plus lemon का combined flavor, very nice. So, चलो तुम बोलो। अभी तक हमने दो चीज़ें खा ली हैं, एक खाया मसाला बन और एक खा लिया हमने मशरूम, मैजिक मशरूम, मैजिक मशरूम जो एक्चुअली में मैजिक जैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि खाने के बाद इसका टेस्ट अल्टीमेट है। और अब जो अब बारी है इंडियन की, इंडियन की, तो अब इंडियन में क्या है? इंडियन में हमारे पास है नान, नान, और हमारे पास है मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। गुड, सीरियसली पता है मलाई कोफ्ता की एक बहुत खासियत होती है, इसका जो ग्रेवी होता है वो स्वीट होता है, ये सबको पता है, लेकिन मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में एक स्वीटनेस की जो लेवल को मेंटेन करना होता है वो हर जगह पे बहुत ज्यादा मीठा कर देते हैं, कहीं पे वो बिल्कुल ही मीठा के चक्कर में बिल्कुल फीका कर देते हैं, वो भी बेकार नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है, मीठा भी है प्लस मीठे के साथ साथ में एक हल्का सा, जब आप उसको च्यूई कर रहे हो उस टाइम पे एक हल्का सा तीखापन आपको अपने मुंह में फील होगा। तुम तो मेरे साथ रह रहे हो, बड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो। मैं पैदाइशी इंटेलिजेंट हूँ। काम करें। सो थिंग इज दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी ग्रेवी, अगर आप स्पेसिफिकली वाइट ग्रेवी में कोई भी आपका फूड आपको सर्व किया जा रहा है वाइट ग्रेवी में, तो उसमें मसालों में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत नीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज अ फूड लवर, अगर बहुत ज़्यादा तीखापन बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा स्वीटनेस बढ़ जाती है, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद ना आपको आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको जी मचलने लग जाता है। लेकिन अगर वो एक कंसिस्टेंट है, आपका तीखापन और स्वीटनेस बराबर कंसिस्टेंसी में मेंटेन की गई है, लेकिन साथ में का ऑयल है वो भी उन्होंने इतना ही लिमिटेड यूज़ करा है कि वो आपको एक है ना एक बहुत ज़्यादा ओवर वाली फीलिंग नहीं हो रही है उसमें, ऑयल 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 फील नहीं हो रहा बिल्कुल। यस, सो दैट इज़ द सिंबल ऑफ अ परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट फूड। एज अ फूड लवर व्हाट आई फील, बाकी आपका नहीं, बिल्कुल आपने सब कुछ बता दिया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्या करूँ। सो ओवरऑल द फूड इज लवली, the place is lovely, the food is very delicious, we are really loving the place, we are really loving the food, and we highly recommend this place. ki aap yahan pe zarur se aaiye aur zarur se yahan ke khane ko taste kariye, ruby se miliye aur itne acche lovely ambiance ko aap log enjoy kariye. aur is video ko end karne se pehle main aap logo ko ek aur jane se milwane wali hu, tab tak hum ye khana khatam kar lete hain, right, hum fatafat se khana khatam karte hain aur uske baad main aap logo ko ek jane se milwane wali hu, to please stay with us, abhi video khatam nahi hua hai, aapko ek bahut hi important insaan se main milwane wali hu, तो मिलते हैं कुछ ही सेकंड्स में।
सो प्राइम मूविंग टू द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो, हमने सोचा क्यों ना हम आपको उस इंसान से भी मिलाए जिन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारे बीच में लेकर आए हैं रोबोटिक रेस्टोरेंट का. सो हियर इज मिसेस नीतू एंड शी इज द ओनर ऑफ येलो हाउस. हेलो मैम. हाय मैम. सो मैम, ये रेस्टोरेंट कितने साल पुराना है? ये 199 to 10 मंथ्स हुए हैं मैम इसको ओपन किए मुझे. ओके. और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब लाइक रोबोटिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़, मतलब आपका क्या थीम था, क्या कॉन्सेप्ट था? क्योंकि रोबोटिक रेस्टोरेंट जयपुर में, जितना मुझे मैंने रिसर्च करा था, कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रेस्टोरेंट जहाँ पे रोबोटिक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था. दिस इज़ द, इनफैक्ट इट्स नॉट द जयपुर, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक रेस्टोरेंट है. ओके. और एक्चुअली नाउ दिस इज़ 21st century मैम. तो हम लोग, हमारा जो रेस्टोरेंट में है वो है कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न और ट्रेडिशनल. लाइक पहले हम बच्चे पपेट से खेलते थे. Right. अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया तो लोग टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं. तो ऐसे मैं काफ़ी सर्च किया हमने, उसके बाद मुझे जापानीज़ कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हुई. मैं जापान गई थी, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ और मैंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से क्रिएट किया और रूबी द रोबोट यहाँ पे मैंने लॉन्च किया. ओके. सो दिस इज़ द वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट एंड शी इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल एंड क्यूट रोबोट. वेरी यस. और नाम बहुत ही क्यूट है, रूबी. सो आप मुझे लाइक बिहाइंड द सीन, हम लोग अभी जब बात कर रहे थे, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग स्टार्टिंग से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. या वी आर काफ़ी 10 सालों से मैं हूँ इसमें. ओके. तो और ये मेरा पैशन है, खाना, लोगों को अच्छा खाना खिलाना, ये मेरा पैशन है. सपना समझ लीजिए, कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा, मैं लोगों को बेस्ट सर्व कर सकूँ. वाओ, दैट्स रियली वेरी नाइस. क्योंकि कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स तो हज़ारों होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होना कि नहीं, एक पैशन को फॉलो करना, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट फूड, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको खाना खाना अच्छा लगता है, तो ही आप उस चीज़ के साथ बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं. सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैफ़े और आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और हमने बहुत ही अच्छा आपका जो फूड था, दैट वाज रियली वेरी डिलीशियस. हमने हमारे व्यूअर्स के साथ भी पूरा शेयर करा है कि क्या क्या यूनिक फूड जो आपके स्पेशलिटी है. चक्की की सब्जी, आपने नेक्स्ट टाइम आप विजिट करें तो चक्की की सब्जी खाइए. मेरे ख्याल से मतलब जयपुर में कहीं और नहीं मिलती है और इट्स द यूनिक, लिटरली यूनिक है हमारा. और इटालियन तो आपको पता ही है हमारा अच्छा है काफ़ी. नहीं, दैट्स रियली वेरी नाइस. क्योंकि हमने इटालियन फूड ट्राई किया था और मैं पर्सनली इटालियन फूड की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ एंड वी रियली लव्ड इट. और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू कैन हैव फॉर इटालियन फूड्स, वी हाईली रिकमेंड दिस, कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन जयपुर. सो यू ऑल पीपल प्लीज़ कम हियर एंड विजिट द प्लेस ऑन योर ओन. आप यहाँ का जो एम्बियंस है, दैट इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल. हमने जब भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था, पूरा ट्रेडिशनल और रस्टिक लुक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक भी देखने को मिलेगा. सो इट्स वेरी लवली. अभी हमने पापेट शो कराया था 13 को, बहुत ही अच्छा था, ट्रिमेंडस, लिटरली बहुत अच्छा. नहीं, वी हैव बीन हियर वंस और ट्वाइस अर्लियर ऑल्सो और हमने खुद ने देखा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है, लोग बहुत, मतलब सच में पापेट शो था, लिटरली बहुत अच्छा था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया. कई बार तो मतलब इस मॉडर्नाइजेशन में भी ये जो ट्रेडिशनल लोग पसंद कर रहे हैं, love to see. Yes, that's really true. Thanks for your support. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for the lovely food and for the lovely gesture. Thank you so much. Hope to meet you soon. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आर वीडियो एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको ज़रूर से पसंद आया होगा. सो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग और किस किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग ब्लॉग्स बनाएं. और प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द लिंक विद अदर्स ऑल्सो. बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, फूड, लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, फैशन, कुछ यूनिक आएगा. यस, एग्जैक्टली. वी आर रियली रियली वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा, पूरे 6 days, इनफैक्ट 7 days we are working, 6 days apne apne office mein, 7 days for you all people. So please keep on sharing your love and support like this only. Jaldi hi milte hum aapse dusre video pe. Like, share, subscribe, karte rahe. 50,000 subscribers tak pahunchana hai. Please remember, 50,000 subscribers only with your support. Thank you. Bye. Bye.